आपने मेरे चैनल पे रेसिपी एंड डेली रूटीन के वीडियो देखे हैं। आपने मेरे घर के हाउस टूर वीडियो को भी काफ़ी पसंद किया था। अगर नए सब्सक्राइबर ने पिछला हाउस टूर वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। मैंने अपने घर में छोटे बदलाव किए हैं, वही मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ। ये हमारा हॉल है और ये है हॉल का लिविंग एरिया। मैंने टीवी के नीचे आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास रखा है और उसके ऊपर कुछ इंडोर प्लांट्स रखे हैं। इससे खूबसूरत नेचुरल लुक आता है। जनरली सब लोग वॉश बेसिन एरिया में टाइल्स लगाते हैं, मगर हमने आर्टिफिशियल ग्रास लगाया है ताकि यहाँ भी नेचुरल लुक आए। यहाँ शोकेस रैक में मैंने मनी प्लांट्स, किताबें, यूनिक आइटम्स, शोकेस आइटम रखे हैं। एक ही लुक में हमें निसर्ग, संस्कार, श्रद्धा, पुरातन और मॉडर्न की झलक दिखाई देती है। यहाँ नेचुरल लुक आने के लिए मैंने गौतम बुद्ध स्टैचू के पीछे आर्टिफिशियल ग्रास लगाया है। स्टैचू के दोनों साइड में मनी प्लांट्स रखा है। यहाँ रखे सभी गमलों पर एक खूबसूरत कलाकृति निखारी है। और ये देखिए, ये है मेरे बेटे के बचपन के फोटोज। इंडोनेशिया का फेमस लकड़ी से बना गौतम बुद्ध का स्टैचू मुझे गिफ्ट में मिला है। अब बढ़ते हैं किचन की ओर। किचन के इंटीरियर का कलर हमने ब्लू एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन रखा है और ऊपरी हिस्सा स्टोरेज के लिए बनाया है। मेरे किचन के रेगुलर यूज़ के आइटम्स नीचे के कंपार्टमेंट में रखे ताकि जल्दी से मुझे मिले, और कुछ हरे पौधे किचन में रखे हैं, इससे किचन में प्रसन्नता रहती है। ये मेरे बेटे का रूम है। वैसे तो ये कहने के लिए स्टडी टेबल है, पर वो आमतौर पर इसके ऊपर खेलते रहता है। पेंटिंग करना, टॉय कार को इसके ऊपर चलाना, इसके ऊपर से जंप करना और लैपटॉप पे वीडियो गेम खेलना। यह बंक बेड है। बंक बेड के नीचे कबर्ड बनाया है जो स्पेशल उसी के लिए है। जब मेरा बेटा नाराज होता है तब वो बंक बेड पर चढ़कर कोना पकड़ लेता है।
यह कॉमन बाथरूम है, इसमें कुछ इंडोर प्लांट्स रखे हैं। तो चलिए अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। तो ये है मास्टर बेडरूम और आते ही इस वॉल पे नज़र पड़ती है, इसीलिए हमने इस वॉल पर वॉलपेपर लगाया है। ये विंडो वेस्ट की तरफ होने से सूरज के अल्ट्रावायलेट रेस से बचने के लिए डार्क कलर का कर्टन लगाया है। आपको तो समझ आ ही गया होगा कि मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने मेरे बेडरूम में भी कुछ इंडोर प्लांट्स रखे है। हमारी बालकनी हॉल को ही अटैच है और बालकनी में विविध प्लांट्स गमले में रखे हैं और गमलों पर सुंदर सी कलाकृति निकाली है। वैसे आर्टिफिशियल ग्रास मेरे पास कुछ बचा था तो उसके स्ट्रिप्स बनाकर मैंने बालकनी में डाले हैं और उसके ऊपर मेरे प्यारे से गमले रखे हैं। बालकनी मेकओवर का वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल रही हूँ। यह गेस्ट बेडरूम है, इसे हमने काफी सिंपल और सोबर रखा है। मेरे हाउस टूर का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।